हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोस्टल एंगलर। तो दोस्तों, फिर एक बार हम फिशिंग करने के लिए आए हैं, वापस से आए हैं दोस्तों फिशिंग करने के लिए मलपे के स्पॉट पे। जैसे कि मैं गांव में आया था तो सोचा कि हमारे यहां पे मलपे में फिशिंग करके देखते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरा बहुत सारा मच्छी मिस हुआ और बहुत सारे लोगों ने दुआ भी दी कि अगले वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा कैच हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का फिशिंग सेशन कैसा होने वाला है और कोशिश रहेगा कि कुछ ना कुछ अच्छा कैच हो जाए आज। और आप सबकी दुआ से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आज बढ़िया सा कैच हो जाएगा। तो ये देखिए, आज का जो स्पॉट है जहाँ पे हम लोग फिशिंग करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया सा स्पॉट है दोस्तों, ज़बरदस्त प्लेस है स्पॉट फिशिंग करने के लिए। और यहाँ पे अक्सर ज़्यादातर यानी स्नैपर, बारामुंडी, ग्रुपर वगैरह लगने के चांसेस ज़्यादा है। बहुत सारे मेरे पिछले वीडियोस भी हैं, पुराने वीडियोस, जिसमें मैंने यहाँ पे बहुत सारा मच्छी पकड़ा है दोस्तों। तो चलिए आज का स्पॉट देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आज कुछ ना कुछ हम मच्छी ज़रूर पकड़ें। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा स्पॉट और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आइलैंड हैं यहाँ पे, छोटे छोटे आइलैंड। और इससे पहले एक वीडियो मैंने यहाँ पे इस आइलैंड पे बनाया था जो कि लाइट हाउस का आइलैंड है। पिछले साल में शायद एक वीडियो बना था यहाँ पे, हमने पूरा दिन वहाँ पे यानी फुल डे और नाइट यहाँ पे निकाले थे हमने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे आइलैंड हैं। सो गाइस, ये रहा सेंट मेरीज आइलैंड जहाँ पे पिछले साल मैंने यहाँ पे बहुत सारे मच्छी पकड़े थे, जिसपे एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना था दोस्तों। ये देखिए, यहाँ से लगभग 45 मिनट्स के दूरी पर है और यहाँ पे अब तो जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब मॉनसून है और समंदर में तूफान वगैरह होते रहता है, तो इस वजह से आप वहाँ पे जाना इस प्रोहिबिटेड नहीं जा सकते। तो कोशिश रहेगा दोस्तों, इस साल भी हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे फ़िशिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं आज का वीडियो कैसा रहेगा दोस्तों। लोग सब दोस्तों फिशिंग करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा मौसम ठीक हुआ है।
So far nothing for the orange. We'll try some redhead. Redhead will be better. Okay, this one. Oh my god, beauty on the go. Look at this amazing red color, beautiful color, guys. Iska color dekhiye, kitna khoobsurat sa hai. Kam se kam 2-3 kilo ka size hai, 2.5-3 kilo ka hai. Properly hooked. Cut it. ಅದೇ ಏನ್ ಅವ್ಳು ಎದುರಿತಾರ again, guys.
टेल फिश। ओह माय गॉड, फाइनली अ ब्यूटीफुल स्नैपर। मे बी आफ्टर कास्टिंग फॉर अ वाइल, बहुत ज़्यादा टाइम कास्ट करने के बाद मैं अभी जाके एक खूबसूरत सा, बहुत टाइम कास्ट करने के बाद दोस्तों अभी जाके एक ब्यूटीफुल सा स्नैपर लगा है। देखिए ब्यूटीफुल फेलो ऑन अ शिमानो स्क्विड जी एंड अ बीके के हुक, अमेजिंग गाइस, ब्यूटीफुल फिश। सो गाइस, आज का हमारा फिशिंग सेशन ख़त्म हो चुका है, तो अब हम वाइंड अप करेंगे। चलिए, बहुत देर हो चुकी है, बट ओवरऑल आज का फिशिंग का गेम बहुत ही बढ़िया था। तो देखते हैं आज हमें क्या क्या फिश मिले हैं, और आई होप कि गाइस आपने इस वीडियो को बहुत लाइक किया होगा। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे कैचेस के बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो देखते हैं दोस्तों आज क्या मिला हमें। तो गाइस यू कैन सी, सो गाइस आप देख सकते हैं हमें आज दो मछली मिले। एक बहुत बड़ा सा स्नैपर है, कम से कम 3 किलो का है, और एक अराउंड 1.5 किलो का है, आराम से हो सकता है 1 किलो के ऊपर का है, बट दिस वन इज़ अ बिग फेलो। सो गाइस आप देख सकते हैं आज का हमारा बेहतरीन कैच, ज़बरदस्त साइज़ का स्नैपर लगा हमें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।